नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रे वर। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हमारा कितना ज्यादा गौरवशाली इतिहास रहा है। आज के जैसे नपुंसक आप देखते होंगे, राजनेता लोग जितने भी आर नपुंसक है, चारों वर्णों में से किसी वर्ण में नेता नहीं आते हैं, ये नेता असुरों की श्रेणी में आते हैं। और आज आप जानेंगे कि एक क्षत्रिय राजा क्या होता है और जो धर्मात्मा राजा होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से वो न्याय करता है। और जो आज आप जघन्य अपराध होते हुए देख रहे हैं, स्त्रियों का अपहरण देखते हैं आप, बलात्कार देखते हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है, ये सब कुछ आप देखते हैं, आपको पता चलेगा कि इनको रोकने का केवल मात्र एक उपाय है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सम्राट विक्रमादित्य की। उस समय वो राजा नहीं थे, प्रतिष्ठान नामक राज्य में वो रहा करते थे। उस समय केवल उनको जनता विक्रम के नाम से जानती थी। तो विक्रम अपने मित्र चंद्रकेतु के साथ में वे एक वृक्ष की छांव में बैठे हुए थे। तभी गांव से एक युवक घोड़े पर दड़दड़ाता हुआ आता है और आकर विक्रम से बोलता है कि एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। शको का जो मुखिया है नेहरुल, जो वहां पर शको ने अपनी छावनी डाली हुई थी प्रतिष्ठान राज्य के पास में, उनका जो मुखिया है नेहरुल, उसने एक विधवा स्त्री की कन्या का अपहरण कर लिया है। तब विक्रम उस युवक से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तब वो युवक बताता है कि वो अपनी सहेली के साथ जा रही थी और वापसी के समय सुनसान मार्ग पर नेहरुल ने घात लगाकर उस कन्या का अपहरण कर लिया है। तब विक्रम वहां से अपने मित्र चंद्रकेतु को लेकर राजा के पास जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पहले से ही प्रजा इकट्ठी हुई है, क्योंकि छोटा मोटा अपराध नहीं था, ऐसे कांड हुआ नहीं करते थे हमारे कभी भी भारतवर्ष के अंदर आर्यवर्त में। जब तक ये देश श्रेष्ठ रहा था उस समय ऐसा कोई गलत काम हुआ नहीं करता था, विदेशी आकर यहाँ पर ये गलत काम करते थे, तो सबके लिए एक ऐसा अपराध था। ये सभी ये सोच रहे थे कि ये अपराध इतना ऐसा अपराध उन्होंने कर कैसे दिया। परंतु एक विजेता जो होते हैं ना, वो कभी भी अपने दास, वास्तव में दास ही थे दोस्तों, गुलामों पर कभी भी जो है दया भाव नहीं दिखाते, उनके लिए कोई मर्यादा नहीं होती है, उनके लिए तो सिर्फ एक भेड़ बकरी की तरह ही होते हैं गुलाम। तो वही यहाँ पर हो रहा था। तब वहां पर राजा बोलता है कि आपकी कन्या को हम लेकर आएंगे और आपको सौंप देंगे, चिंता मत कीजिए। पीछे से आवाज आती है, क्या केवल उसने जो अपराध किया है नेहरुल ने, क्या उसका अपराध का केवल इतना ही दंड है कि आप उसको लेकर आए और उसको कोई दंड ना दे, उसके अपराध का केवल और केवल मृत्यु दंड है। तब महामाते बोलते हैं कि तुम कौन हो। तो वो बताते हैं कि वो विक्रमादित्य है और वो पूछते हैं महामाते कि तुम्हारी आयु कितनी है। तो विक्रमादित्य बोलते हैं 18 वर्ष। तब महामाते बोलते हैं कि तुम अभी बालक और राजनीति को नहीं समझते हो। तब विक्रमादित्य बोलते हैं कि मैं बालक नहीं हूँ, गुरुकुल से पढ़ा हुआ एक शिक्षित युवक हूँ, उन्होंने वेद और राजनीति सब कुछ पढ़ा है। तब वो बोलते हैं कि यहाँ का प्रतिष्ठान का बच्चा बच्चा प्रतिष्ठान की राजनीति को अच्छी प्रकार से समझता है। तब विक्रम बोलते हैं कि राजा का उस कन्या को लेकर आना केवल और केवल विवस्ता है, दंड ना देना विवस्ता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि राजा ने यदि उसको दंड दिया तो उनकी राजमुकुट को जो शक है वो छीन लेंगे, क्योंकि राजा ने तो आत्मसमर्पण पहले से ही किया हुआ था उन शकों के आगे। शकों की बड़ी विशाल सेना थी, अब बाद में 3,000 की सेना उनके राज्य के बाहर छोड़ गए थे ताकि दबदबा बना रहे। संध्या भी हुआ करती, संधियों पर शक, भाई विजेता जाती है संधियों पर, ज्यादा अमल नहीं कराया करती है, ठीक है ना। तो संधि भी हुई थी लेकिन अमल उन्होंने शकों ने नहीं किया था उस पर। इसके बाद में राजा बोलता है कि तुम क्या कर लोगे, क्या तुम्हारे पास में तो कोई सेना भी नहीं है। तब विक्रमादित्य बोलते हैं कि वो वेद वेदांग पढ़े हुए हैं गुरुकुल से, राजनीति उन्होंने पढ़ी है और धनुर्वेद उन्होंने संपूर्ण सीखा है, और वो प्रजा की ताकत को नहीं समझता है राजा। तब विक्रमादित्य वहां से निकल जाते हैं अपने मित्र चंद्रकेतु के साथ में। शाम का समय हो चुका था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तब विक्रमादित्य उन शकों की छावनी के बाहर जाते हैं, वहां पर लगभग 3,000 सैनिक थे और वहां पर एक विशाल छावनी चारों तरफ लगी हुई थी, अलग अलग शिविर लगे हुए थे। तब वो अपने घोड़े को एक पेड़ के समीप बांधते हैं और वहां पर जो नेहरुल का शिविर था वो दूसरे शिविरों से थोड़ा ऊंचा था, उसके अंदर कई प्रकार के कक्ष थे। तब विक्रमादित्य अपने साथी के साथ उसके पास में जाते हैं, उसके शिविर के पास में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन वहां पर अधिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कुछ सैनिक थे जो वहां पहरेदारी कर रहे थे, क्योंकि पहली बात तो विजेता थे शक, जो थे विजेता थे, और भारतीय वहां के उस राज्य के जो लोग थे वे थे उनके गुलाम और दास। तो एक विजेता दासों से नहीं डरता है, वो यही सोचता था कि ये तो हमारे दास है, हमने इन पे विजय प्राप्त की है, ये हमारे गुलाम है,
भला ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस मारे वहां पर अधिक सुरक्षा नहीं थी, कुछ 10-15 ही सैनिक थे। तब विक्रमादित्य बोलते हैं कि इन सारे सैनिकों को मारेंगे लेकिन कहीं पर पत्ता खड़कने की आवाज नहीं होनी चाहिए। तब वो पूरी जांच देखते हैं कि शिविर के चार बड़ा विशाल शिविर था, तो जो सैनिक उस पर चारों तरफ से पहरेदारी कर रहे थे, तो वो देखते हैं कि कुछ सैनिक यहाँ से पहरेदारी कर रहे हैं, कुछ यहाँ से कर रहे हैं। तो वो पेड़ के पीछे बैठकर अपने 20 बूझे तीरों से उन सैनिक जैसे ही घूम के वो सैनिक आते हैं, तो 5 बाण निकल कर आते हैं, सीधा गले में घुसते हैं और वहीं पर उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर वो प्रतीक्षा करते हैं कि दूसरे सैनिक घूम कर आते हैं। जैसे ही वो सैनिक घूम कर आते हैं, देखते हैं कि नीचे उनके साथी मरे पड़े हैं। जैसे उनके पास जाते हैं, फिर से 3 बाण आते हैं, उनके गले में लगते हैं और वो भी वहीं पर उनकी जीवन लीला समाप्त। तब विक्रमादित्य ज्यादा विलंब ना करते हुए तुरंत अपने मित्र चंद्रकेतु को शिविर के पास में लेकर जाते हैं, उसे बाहर छोड़ते हैं और खुद अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बाहर एक बैठक नुमा कक्ष बना हुआ था, जिसमें कि एक शक सैनिक जो कि काफी विशालकाय था बैठा हुआ था, परंतु विक्रमादित्य भी एक शक वेशभूषा में थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सैनिक विक्रमादित्य ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब अंदर वाले कक्ष से कुछ आवाजें आ रही थी, एक कन्या की जो कि रोते हुए बोल रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, तब तुरंत वहां पर विक्रमादित्य उस शिविर में प्रवेश करते हैं और जो नेहरुल था वहां का, उन शकों का मुखिया, उसके कंधे पर पीछे तलवार रखते हैं। नेहरू सोचता है कि कोई उनका सैनिक होगा और पीछे करता मुड़ कर कहता है कि तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरे कंधे पर तलवार रखी। तब विक्रमादित्य बोलते हैं, अभी कुछ क्षणों में ही तुम्हारा सर धड़ से अलग होने वाला है, मैं चाहता था तुम्हारा अभी सर धड़ से अलग कर देता, परंतु मारने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा दंड किया है। तब उन्होंने कहा कि स्त्री का बलात्कार और अपहरण केवल और केवल मृत्यु दंड का भागी होता अपराधी। तब वो बोलता है नेहरुल कि यदि तुमने मुझे दंड दिया तो तुम हमारी शक्ति को नहीं जानते। अभी भी वो डराने का प्रयास कर रहा था विक्रमादित्य, किसी प्रकार से भयभीत हो जाए और उसको छोड़ दे, लेकिन विक्रमादित्य बोलते हैं कि तुम अभी खुद मृत्यु के मुख में हो और मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। नेहरुल समझ जाता है कि तो आज तेरी गर्दन काट के जाएगा। तब वो नीचे बैठता है नेहरुल और गर्दन नीचे झुकाकर नाक रगड़ता और बोलता है विक्रमादित्य से कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन विक्रमादित्य बोलते हैं कि इस आर्यवर्त की संविधान के हिसाब से केवल और केवल मृत्यु दंड ही मिलता है, जो नारी का अपहरण और बलात्कार करता है उसको मृत्यु दंड ही मिलता है, और तुरंत उसकी गर्दन काट के अलग कर देते हैं। कोई इसमें कोई क्षमा नहीं, कोई याचना नहीं, ऐसे अपराधी की तुरंत गर्दन काट के अलग कर दी जाती है और कन्या को लेकर वहां से विक्रमादित्य राज्य पहुंच जाते हैं उसको लेकर। और इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य उस समय राजा ना होते हुए भी अपने साहस का परिचय देते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसको न्याय दिलवाते हैं, उस विधवा स्त्री को और उस कन्या को, दोनों को न्याय दिलवाते हैं और अपराधी को मृत्युदंड दे देते हैं। आगे देखिए बहुत सारी किस्से कहानियां इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा राजा विक्रमादित्य के बारे में, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम।